हेपेटाइटिस सी एक ऐसी लीवर का हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन है जो बहुसंख्यक मरीजों को आजकल पाया जा रहा है। यह हमारे शरीर में पड़ा रहता है और हमको एहसास भी नहीं होता, लेकिन जब हम किसी डेंटिस्ट पास या किसी सर्जिकल प्रोसेस में जाते हैं, ब्लड चेक कराते हैं, तो पता लगता है साहब हम हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव निकले और मन घबरा जाता है। आज हम आपको बताएंगे इसी घबराहट को दूर करने की और आपके मर्ज को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी वायरस के विषय में। हेपेटाइटिस सी वायरस एक वह कंडीशन होती है कि जब किसी के इस वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको एक साइलेंट किलर के रूप में धीरे धीरे यह वायरस खत्म करता रहता है, और जब तक आपको साइन और सिम्टम नहीं आ जाते हैं आपके नुकसान पहुंचा चुका होता है। हेपेटाइटिस सी वायरस का इलाज है आमतौर पे 2 से 6 महीना हेपेटाइटिस की दवाएं चलती हैं एलोपैथी में, और कई मरीजों में वह ठीक हो जाता है। लेकिन जो लीवर को डैमेज पहुंचता है उसको सही करने के लिए आपको होम्योपैथी बहुत मदद कर सकती है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ कारगर दवाएं जो आपके हेपेटाइटिस सी वायरस को ठीक कर सकें। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस होता क्या है। हेपेटाइटिस सी वायरस एक हेपेटाइटिस का वायरस होता है जो कि हेपेटाइटिस सी टाइप सी के नाम से जाना जाता है। यह ब्लड के द्वारा मरीज में कंटैमिनेटेड होता है, यानी ब्लड के द्वारा ही इसका इन्फेक्शन होता है एक से दूसरे में। यह एक साइलेंट होता है, कई सालों से हम लोगों के शरीर में हेपेटाइटिस सी वायरस पड़ा रहता है लेकिन हम जान नहीं पाते जब तक सिम्टम ना आ जाए। आमतौर पर आप आजकल देखिए, जब आप डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं तो हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन का टेस्ट कराता है, और अगर वह पॉजिटिव आता है तो मरीज़ बहुत परेशान हो जाता है। होम्योपैथी में इसकी दवाएं हैं, आज हम आपको वही दवाएं बताएंगे। सिम्टम्स के बारे में साथियों बात कर लें। हेपेटाइटिस सी के सिम्टम्स में एक तो ब्लीडिंग होती है, मरीज़ को ब्लीडिंग बहुत आसानी से होने लगती है, कहीं से भी उसके खून बहने लगता है, लीवर डैमेज होने लगता है, वीकनेस आने लगता है, स्किन ड्राई हो जाती है, इची हो जाती, पीलापन आ जाता है, डाइजेशन वीक हो जाता है। इस तरह तमाम लीवर से एसोसिएटेड सिम्टम्स हेपेटाइटिस सी वायरस में पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस सी के कारण की बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस वायरस का कारण किसी भी व्यक्ति में ब्लड के द्वारा इन्फेक्शन होता है, यानी कि अनइन्फेक्टेड पर्सन को जब हेपेटाइटिस सी वायरस के मरीज का ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है तो उस मरीज के हेपेटाइटिस सी वायरस से वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। हेपेटाइटिस वायरस के 7 जीनोटाइप्स और 67 सब टाइप्स होते हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन हेपेटाइटिस का फर्स्ट जीनोटाइप होता है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। आज हम आपको बताएंगे कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपके हेपेटाइटिस सी वायरस को कंट्रोल कर सकें और लीवर के आपके होने वाले नुकसान को पूरा कर सकें। लेकिन साथियों यह जानकारी भी ज़रूरी है कि ये दवाएं, क्योंकि हेपेटाइटिस सी वायरस आपके लीवर को डैमेज पहुँचाने में समर्थ है, तो कोई भी दवा अपने सिम्टम इंडिविजुअल सिम्टम के हिसाब से क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर से प्रिस्क्राइब करा के ही लें, यों कोई दवा ना लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको जानकारी देते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस से इन्फेक्शन से निपटने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। नंबर एक दवा साथियों जो होम्योपैथी में हेपेटाइटिस सी वायरस को या लीवर की किसी भी दिक्कत को ठीक करने की आती है मेरे हिसाब से, वह है चेलिडोनियम मेजस। अगर किसी को हेपेटाइटिस सी की शिकायत है, किसी मरीज को हेपेटाइटिस सी है और उसके राइट साइड रिब्स के नीचे बहुत पेन हो रहा है तो और रिकरेंट जॉन्डिस हो रहा है, तो उस स्थिति में या किसी भी स्थिति में हेपेटाइटिस का कोई भी वायरस हो, उसकी स्थिति के इन्फेक्शन को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है चेलिडोनियम मेजस। आप चेलिडोनियम का मदर टिंचर 10 बूंद दिन में 4 बार ले सकते हैं। यह आपके लीवर को स्वस्थ करेगी, आपके लीवर के पेन को ख़त्म करेगी और आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज के हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा हो, तो अगर आप किसी मरीज को हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कोर्नस सेरिफेरा। कोर्नस सेरिफेरा का मदर टिंचर
10-10 बूंद दिन में 4 बार हर उस मरीज को दिया जा सकता है जिसको पेट में बहुत दर्द होता हो, क्रैम्प्स आते हों और उसको हेपेटाइटिस सी की शिकायत हो। कोलोसिंथ और डायोस्कोरिया भी इस मर्ज की बहुत अच्छी दवा है, लेकिन कोर्नस का मदर टिंचर लीवर पे भी काम करता है, यानी लीवर पे काम करके आपके पेट की ऐठन को रोकेगा। तो आप इस मदर टिंचर को इस्तेमाल करके हेपेटाइटिस सी के केस में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थिति साथियों आती है हेपेटाइटिस सी के केस में कि राइट साइड लिवर में इतना भारीपन लग रहा है कि बिल्कुल लग रहा बोझ गोला रखा है, और जब आप जरा सा भी चलते हैं तो तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि जरा सा भी चलने से आपके तकलीफ बढ़ रही हो और बहुत भारीपन राइट साइड लिवर में लग रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की आपके हेपेटाइटिस को बहुत अच्छी दवा है ब्रायनिया एल्बा। आप ब्रायनिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके लीवर को भी सही करेगी और जो चलने से आपकी तकलीफ बढ़ती है उसको ख़त्म करके आपको राहत देगी। एक साथियों स्थिति आती है कि मरीज को हेपेटाइटिस सी की शिकायत हो और उसके सर में दर्द बना रहता हो। तो अगर यह स्थिति हो किसी मरीज को हेपेटाइटिस सी की शिकायत हो, उसको हर समय सर में दर्द बना रहता हो, तो उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा है मायरिका सेरीफेरा। आप मायरिका सेरीफेरा मदर टिंचर 10 बूंद दिन में 4 बार आधे कप पानी में हेपेटाइटिस सी वायरस के हर उस इन्फेक्टेड पेशेंट को दे सकते हैं जिसको कि हर समय सर में दर्द बना रहता हो, सर में भारीपन हो और वह उसको मतलब हर दिक्कत हो, जॉन्डिस भी हो, एल्ब्यूमिनेरिया भी हो, प्रोटीनेरिया भी हो, इस तरह की हर दिक्कत हो, तो इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में यानी अन्य दवाओं के साथ आप मायरिका सेरीफेरा का मदर टिंचर देकर हेपेटाइटिस सी के मरीज के इस इन्फेक्शन को कंट्रोल, मैनेज और ठीक कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है हेपेटाइटिस सी के केस में कि मरीज के मुंह में बहुत कड़वा पानी हर समय आता रहता है और लीवर के एरिया में राइट हेपेटिक एरिया में बहुत भारीपन होता है। तो अगर यह दिक्कत हो साथियों कि आपके मुंह में हर समय खट्टा पानी आता हो, हेपेटाइटिस सी की शिकायत हो और लीवर के एरिया में भारीपन हो राइट साइड रिब्स के नीचे, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बॉल्डो। आप बॉल्डो का मदर टिंचर 10 बूंद दिन में 4 बार आधे कप पानी में ले सकते हैं अगर आपके मुंह में कड़वा पानी, खट्टा पानी आ रहा है और आपको हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन है। यह दवा आपको लाभ देगी, आपके मुंह के खट्टे पानी को ख़त्म करेगी और लीवर को भी बेटर हेल्थ में लाएगी। एक स्थिति साथियों हेपेटाइटिस सी में आती है कि मरीज को हेपेटाइटिस सी की शिकायत हो और अगर एक रोटी भी वो खा लेता हो तो पेट में बहुत भारीपन लगता हो, पेट में गैस की गुड़गुड़ाहट रहती हो, हर समय गैस पास होती हो। अगर यह स्थिति हो साथियों कि हर समय मरीज को गैस पास होती हो, लोअर एब्डोमेन में गुड़गुड़ाहट रहती हो, एक रोटी भी वो ठीक से ना खा पाता हो और हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लाइकोपोडियम क्लेविटम। लाइकोपोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वह मरीज ले सकता है जिसको शाम को 4 बजे के करीब, 2 से 4 बजे के करीब उसकी तकलीफें बढ़ती हों, गर्म चीज़ें खाने से उसको आराम मिलता हो, मीठी चीज़ें खाना उसको ज़्यादा पसंद हो और उसके पेट में भारीपन, गुड़गुड़ाहट रहती हो और वो एक रोटी भी चैन से ना खा पाता हो, वैसी स्थिति में लाइकोपोडियम उसकी मदद करके उसको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है किसी को हेपेटाइटिस सी की शिकायत है और उसको जैसे ही कुछ खाने की महक आती, स्मेल आती है तो लीवर साइड एरिया में राइट साइड रिब्स के नीचे बहुत पेन होने लगता है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि ज़रा भी खाने की महक से आपके लीवर में पेन होने लगता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वो मरीज ले सकता है जिसको खाने की स्मेल से लीवर में दर्द होने लगता हो, भारीपन रहता हो, तो पोडोफाइलम उसकी बहुत अच्छी दवा है। पोडोफाइलम डायरिया को भी रोकने की बहुत अच्छी दवा है। हेपेटाइटिस सी में डायरिया भी होता है तो उसमें भी ये मदद करेगी। और एक बड़ा पिक्यूलर सिम्टम है साथियों कि राइट साइड लीवर के एरिया में हाथ रखने पे मरीज को आराम मिलता हो, तो उस स्थिति की भी बहुत अच्छी दवा है पोडोफाइलम। एक सिम्टम साथियों आता है कि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस सी हो और उसको फैटी फूड खाना बहुत पसंद हो, नॉन वेज खाना बहुत पसंद हो, घी मक्खन वह छोड़ ना सकता हो, तो अगर यह सिम्टम हो किसी में और उसको हेपेटाइटिस सी की शिकायत हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है पिटेलिया फॉलेट। पिटेलिया फॉलेट
30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार हर उस मरीज को दी जा सकती है जिसको भारी चीज़ें खाना बहुत पसंद है, फैटी फूड खाना बहुत पसंद है, नॉन वेज खाना बहुत पसंद है और उसको हेपेटाइटिस सी की शिकायत है। यह उसकी क्रेविंग को भी कम करेगी और उसके हेपेटाइटिस को भी ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज़ ने अल्कोहल बहुत पिया हो, ड्रंकर्ड पर्सन हो, दारू बहुत पीता हो, अल्कोहल बहुत पीता हो और अब उसको हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन भी हो गया। एक तो लीवर अल्कोहल से ख़राब, दूसरा लीवर हेपेटाइटिस सी से ख़राब। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी दवा है कार्डुअस। कार्डुअस मैरिनस का मदर टिंचर 10 बूंद दिन में चार बार आप आधे कप पानी में ले सकते हैं। यह आपके बाइल जूस को पतला करेगा, थिनिंग ऑफ बाइल जूस करेगा, इस कारण ये आपका जो वेन का कंजेशन है उसको ख़त्म करेगा और आपके लीवर को बेटर शेप में लाएगा। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज़ को हेपेटाइटिस सी की शिकायत हो और उसको कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो, कोई भी आवाज़ शोर आता हो वह परेशान हो जाता हो और उसके लीवर के एरिया में बहुत दर्द हो, तो अगर हेपेटाइटिस की यह कंडीशन हो कि कोई भी एक्सटर्नल आवाज़ से उसको अच्छा ना लगता हो, एंजाइटी आ जाती हो और उसको एल्बुमिनेरिया और प्रोटीनोरिया हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली हर वह मरीज ले सकता है जिसको खाने में दिक्कत हो और खाना खाते ही उसके लीवर के एरिया में भारीपन आ जाता हो और उसको बाहरी स्टिमुलस यानी आवाज़ शोर से दिक्कत होती हो और लीवर के एरिया में हाथ फेरने से उसको आराम मिलता हो, ऐसे व्यक्ति को फॉस्फोरस दी जा सकती है, यह दवा स्वास्थ्य लाभ देगी। एक स्थिति साथी वहाँ आती है मरीज को लीवर का इन्फेक्शन हुआ, हेपेटाइटिस सी और उसे सी हुआ और उसे बहुत वीकनेस आ गई हो, तो अगर यह स्थिति हो कि किसी मरीज़ को बहुत वीकनेस आ रही हो, उसको हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सिंकोना ऑफिसनेलिस। सिंकोना ऑफिसनेलिस यानी चाइना, यही वो महान दवा है जिससे होम्योपैथी की शुरुआत हुई थी, होम्योपैथी की डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब ने डिस्कवरी करी थी। तो अगर आपको लैक ऑफ वाइटल फोर्स है, वीकनेस है, डिबिलिटी है और हेपेटाइटिस सी की शिकायत है, तो सिंकोना 30 पावर में या चाइना 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ऐसे मरीज को देकर उसको ताकत भी दे सकते हैं और उसके हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन को भी खत्म कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को एस्मेटिक ब्रोंकाइटिस हो, मरीज की सांस बहुत फूल रही हो और उसको साथ में लीवर इन्फेक्शन यानी हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन भी हो गया हो, तो अगर यह स्थिति हो कि किसी मरीज़ को हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हुआ हो और उसको एस्मेटिक ब्रोंकाइटिस भी हो, लंग्स के एलिमेंट्स हो जिसमें उसकी सांस फूल रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार हर वह मरीज ले सकता है जिसकी सांस फूलती है, जिसको थोड़ी थोड़ी देर पर प्यास लगती है, रात के 12 से 2 उसकी तकलीफें बढ़ती हैं और उसको हेपेटाइटिस सी की शिकायत है, यह दवा इन सारी बातों में मदद करके मरीज को लाभ देगी। ये साथियों को दवाएं थी हेपेटाइटिस सी के विषय में, एक क्रॉनिक कंडीशन है, निवेदन करेंगे कि किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही दवा लीजिएगा, लेकिन हमारा यह प्रयास आपको होम्योपैथी के करीब लाने का था। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे पाएँ। निवेदन करेंगे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।